जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। दीजिए, आज फिर एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ। अब वैलेंटाइन डे आ रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल रेसिपी तो बनती है, केक के बिना तो ये अधूरा ही है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो घर पर ही अवेलेबल सामान से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। वैसे कोई भी बना सकता है, बस टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूँ और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। उससे देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है केक। दिखने में जितना यमी लग रहा ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो बस आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना एक बार, बहुत ही ईजी है इसे बनाना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और यहाँ मैंने एक कटोरी से सूजी ले ली है, लगभग 2 कटोरी के बराबर, और सारे मेजरमेंट में आज इसी कटोरी से करना है। तो आप कोई भी एक कटोरी ले लेना, सारे मेजरमेंट उसी से करना। उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी के बराबर शक्कर ले ली है, इसे मिक्सर जार में डालकर हमें बारीक पीस लेना है। अगर आप इसमें वनीला एसेंस डाल रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो अगर आपको इलायची डालनी है तो इसी में डालकर पीस लेना। अब इसे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेना है और एक चुटकी भर नमक डाल देना, इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मीठे में हमेशा थोड़ा सा नमक डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी के बराबर दूध पाउडर आता है ना, वो ले लेना है, या फिर आप इसे मिल्क वाइटनर भी बोल सकते हैं, वो ना हो तो भी इसे आप स्किप कर सकते हैं। या आधी कटोरी के बराबर फ्रेश मलाई ले लेनी है दूध वाली, वो ना हो तो आप दूध ले सकते हैं उसकी जगह थोड़ा ज़्यादा। अब यहाँ उसी कटोरी से नापकर मैंने 1 कटोरी के बराबर दूध ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते रहना है, एकदम मत डालना नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएगी। अब उसी कटोरी में 1 कटोरी और दूध ले लेंगे हम, तो बराबर 2 कटोरी दूध लग जाएगा। पर अगर आप मलाई नहीं डाल रहे हैं तो 3 कटोरी दूध ले लेना, और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे डालना है, पूरा एक साथ नहीं डालना। तो इसे हमें कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करना है या फिर एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना। अब थोड़ा थोड़ा करके हम दूध और डाल देंगे, बाकी बचा हुआ दूध हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। देखिए, बैटर अच्छे से हमारा मिक्स हो गया। अब इसमें 1 चम्मच वेनीला एसेंस डाल देना है, अगर ये ना हो तो आप इलायची डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे साइड में ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक यहाँ बीट रूट लिया मैंने एक, इसे छील लिया था, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर मिक्सर जार में डाल देंगे और पीस कर इसका हमें पेस्ट बना लेना है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं इसे हल्का सा कलर देने के लिए यूज़ कर रही हूँ ताकि नेचुरल कलर यूज़ हो। अब बचे हुए दूध को इसमें डालकर इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे और इसे इस तरह से छलनी में छान लेना है अच्छे से। इसे हमें हाथ से दबा दबा कर सारा जो जूस है ना इसका वो निकाल लेंगे। ऊपर जो बचेगा ना एक्स्ट्रा, उसे फेंकना नहीं है। इसे आप रोटी बना सकते हैं या फिर पराठे बना सकते हैं, इसे आटे में मिक्स करके इसे आराम से आटा गूंथ सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है तो इसे फेंकना मत। बस इस तरह से इसका पूरा जूस निकाल लेना, इसे हम रख देंगे साइड में। तो लीजिए, बन गया हमारा नेचुरल कलर। अब हमारी सूजी भी अच्छे से फूल गई है, देखिए थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है ये। अब इसमें हम तेल डालेंगे, लगभग 1/4 कप के बराबर या 1/4 कटोरी मान लीजिए। अब यहाँ पर आपको तेल जो है ज़्यादा तेज जो खुशबू वाला होता है ना, जैसे सरसों का तेल या मूँगफली का, वो यूज़ नहीं करना है। आप सोयाबीन ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल आता है ना, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है या फिर कुकर ले सकते हैं, उसमें नमक डाल देंगे और इसे इक्वली हमें फैला लेना है। ये नमक बहुत बार यूज़ हो चुका तो इसका कलर ऐसा हो गया है। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देना है। 10 मिनट से ज़्यादा गर्म मत करना, तो ज़्यादा कढ़ाई अगर गर्म हो गई तो केक आपका एकदम से फूलेगा और बीच से बैठ जाएगा। तो ये टिप्स ध्यान रखना। अब एक केक टिन लेना है, यहाँ मैंने हार्ट शेप का लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसमें अच्छे से घी लगाकर इसमें कोटिंग कर लेनी है और ऊपर से थोड़ा सा आटा डाल देना है, 2 से 3 छोटी चम्मच। उसे अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेना है। लीजिए, हमारा केक टिन रेडी हो गया है केक के लिए। आप चाहते हैं इस पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब जो बैटर हमारा रेडी किया था ना, उसका 1/3 पार्ट मतलब तीसरा हिस्सा हमें एक बड़े से कटोरे में निकाल लेना है। बाकी बचे हुए बैटर में जो हमने बीट रूट का जूस बनाया था ना, वो डाल देना है। तो ये हमारा नेचुरल कलर हो गया। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा जूस डालते जाएगा ताकि ये एकदम से पतला ना हो जाए। बाकी जो जूस बचे उसे साइड में रख दीजिएगा, उसे आप
आटा गूंथने में यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा बैटर ज़्यादा पतला दिख रहा था मुझे, तो 1/4 कप के बराबर मैंने गेहूँ का आटा डाल दिया है। आप इसमें आटा डाल सकते हैं अगर ज़्यादा पतला हो गया हो, क्योंकि अभी उसमें हमने बेकिंग पाउडर या फिर इनो नहीं डाला है, तो आप इसमें ये मिक्स कर सकते हैं, आपका केक नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें एक इनो का पैकेट लेना है और लगभग 1 छोटी चम्मच के बराबर इनो डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ओवर मिक्स करेंगे तो फिर केक हमारा अच्छे से नहीं फूलेगा, बस ये थोड़ा मिक्स हो जाए उतना ही करना है। और सूजी का केक है तो इस बैटर इसका थोड़ा सा हमें पतला ही रखना है। अगर आटे का केक बना रहे हो तो इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होता है, पर सूजी का थोड़ा पतला ही रखना है। और कटोरी में जो वाइट वाला बैटर था उसमें 1/2 छोटी चम्मच इनो डाल देना है। पूरे बैटर में लगभग 1 पैकेट इनो का लग गया। अब केक 3 में आधा बैटर हमें पिंक वाला डालना है, उसके ऊपर हमें जो वाइट वाला बैटर था ना वो डाल देना है, पूरा ही डाल देना है इसको। इसके ऊपर फिर से पिंक वाला जो बैटर बच गया था वो डाल देंगे, पर इसे थोड़ा सा हमें फैला लेना है ताकि इसका इक्वली फैल जाइए। अब बचा हुआ पिंक बैटर भी डाल देंगे, पर इसे पूरा ऊपर तक मत भरना, इसे हमें खाली करना है, थोड़ा खाली रखना है, लगभग 1/3 ही भरना। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भर दिया था, और आप ऐसा मत करना, थोड़ा सा इसको खाली ही रखना, ये फूलेगा ना तो फिर बाहर गिरेगा। नीचे कढ़ाई भी हमारी अच्छे से प्री हीट हो गई, इसमें इस तरह से स्टैंड रख देंगे और हमारा केक रख देंगे बेक होने के लिए। ऐसे इस तरह से ढकना, इसको ऐसी प्लेट से ढकना है जो पूरी तरह से इसे कवर कर सके। मैंने इसे ढक के दिया था अच्छे से, लगभग 50 मिनट लगे थे इस केक को बनने में। इस तरह से टूथपिक डालकर देखना, जब ये क्लियर निकले मतलब कि अच्छे से कुक हो चुका है। और केक को 15 से 20 मिनट ठंडा होने देना, उसके बाद ही इसे इस तरह से चाकू से साइड से इसके छुड़ा लेने हैं ताकि ये इजीली निकल जाए। इसके ऊपर इस तरह से प्लेट रखनी है और इसे पीछे से हल्का सा थपथपा देना है कि टैप कर देना है ताकि ये इजीली निकल जाए। देखिए बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है हमारा केक, बहुत ही अच्छा कलर आया है। मैंने इसको उल्टा ही रखा है केक को, पीछे इसकी हार्ट शेप की डिज़ाइन चाहिए थी। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी का जो सिरप आता है ना वो ले लिया है और उसके ऊपर ये हार्ट शेप बना था ना उसे सिरप से ऐसी डिज़ाइन बना ली है हार्ट शेप से जैसी, उसको पूरा फिल कर देंगे तो लीजिए बन गया हमारा हार्ट। ये बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। तो लीजिए बन गया हमारा केक बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी, बिना किसी मैदे के, बिना किसी बेकिंग पाउडर के। बनाना बहुत ही आसान, आप भी अपने किसी बिलव्ड वन के लिए बनाइए इस वैलेंटाइन डे केक को और इन्जॉय करिए। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपके लिए लाती रहूँ। देखिए केक हमारा बहुत ही परफेक्टली बेक हुआ है, क्योंकि मैं चाह रही थी इसमें 3 लेयर आए पर 2 ही लेयर आई, क्योंकि मेरे केक 3 थोड़ा ज़्यादा भर गया था। आप इसका ध्यान रखना, पर टेस्टी बहुत बना, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे से इसमें जाली भी पड़ी अंदर से।